हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2023 का मैच नंबर 1 हमें आज देखने को मिला था, जहां पर सीजन ओपनर में लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियंस यानी कि गुजरात टाइटंस और उनके साथ ही लास्ट ईयर के काफ़ी लास्ट की पोजीशन पर रही चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हमें मैच देखने को मिला था। और इस मुकाबले में होम फेवरेट और लास्ट ईयर के चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हरा दिया, जिसके बाद जीटी की टीम तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है, लेकिन सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में गिरकर सबसे नीचे यानी कि नंबर 10 की पोजीशन पर आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में इस मुकाबले के बाद आपको पूरी पॉइंट्स टेबल तो बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आने वाले मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल किस तरीके से बदलेगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आज हुए चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले में जीटी के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया था, और इनका डिसीजन पूरी तरीके से सही साबित हुआ, क्योंकि इस मुकाबले में जीटी की टीम ने सीएसके की टीम को हराकर अपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अर्जित कर लिया। लेकिन इसके साथ ही सीएसके की टीम को पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 की पोजीशन पर धकेल दिया। तो आज के मुकाबले में जीटी की इस जीत के बाद अगर बात की जाए पॉइंट्स टेबल में बारी बारी से किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, तो सबसे नीचे यानी कि हम बॉटम मोस्ट पोजीशन से अगर स्टार्ट करें तो नंबर 10 की पोजीशन पर आज के मुकाबले के बाद आ चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहां पर सीएसके की टीम ने एक ही मुकाबला खेला है और पहले ही मुकाबलों में जीटी से मिली इस हार के बाद सीएसके की टीम के 0 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट नेगेटिव में जा चुका है, जिसका मतलब है कि बाकी की 8 टीमें जिन्होंने कोई भी मुकाबला नहीं खेला और जिनका नेट रन रेट अभी 0 है, उससे नेट रन रेट इनका नेगेटिव में जाने के कारण सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में लास्ट यानी कि नंबर 10 पर आ चुकी है। इसके बाद अगर बात की जाए नंबर 9 की पोजीशन की, तो यहां पर हमें देखने को मिलती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिन्होंने अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला। नंबर 8 की पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, इन्होंने भी कोई मुकाबला नहीं खेला है। अब अगर आप लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही है कि आरसीबी और एसआरएच बिना मैच खेले ही लास्ट की पोजीशन पर कैसे आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट बनाने वालों से, क्योंकि वहां पर अगर आप लोग जाकर आईपीएल के ऑफिशियल पॉइंट्स टेबल सर्च करेंगे तो वहां पर आरसीबी, एसआरएच और आरआर को बॉटम मोस्ट पर बिना मुकाबला खेले ही प्लेस किया गया है। इसके बाद अगर हम पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा ऊपर बढ़ें और बात करें मिडिल पॉइंट्स टेबल की, तो यहां पर हमें नंबर 7 की पोजीशन पर देखने को मिलती है राजस्थान रॉयल्स की टीम, नंबर 6 की पोजीशन पर आती है पीबीकेएस की टीम, और नंबर 5 की पोजीशन पर हमें नाम देखने को मिलता है मुंबई इंडियंस की टीम का। एक बार फिर से, इनमें से किसी भी टीम ने अभी तक अपना कोई भी मुकाबला नहीं खेला है। इनके बाद अगर हम बात करें फाइनली पॉइंट्स टेबल में टॉप की पोजीशंस की यानी कि नंबर 4 तक की पोजीशंस की, तो यहां पर सबसे पहले अगर फोर्थ पोजीशन की बात की जाए तो यहां पर हमें देखने को मिल जाती है एलएचसी की टीम, नंबर 3 की पोजीशन पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, नंबर 2 की पोजीशन पर हमें नाम देखने को मिल जाता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का, और अगर बात करें टेबल टॉपर्स की, तो आज के मुकाबले में सीएसके को हराने के बाद जीटी की टीम टॉप पर आ चुकी है। एक मुकाबला खेला है पहले ही मुकाबले में जीत के बाद, जीटी की टीम के अब 2 पॉइंट हो चुके हैं और इनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, तो जीटी की टीम बन चुकी है टेबल टॉपर। अब अगर बात की जाए कि आज होने वाले मुकाबलों की, तो आज हमें मैचेस देखने को मिलने वाले हैं 2, जहां पर सबसे पहला मुकाबला हमें पीबीकेएस और केकेआर के बीच में दिन में 3:30 बजे से देखने को मिलेगा, और दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से एलएचसी डीसी के बीच में होगा, जहां पर इन मुकाबलों के बाद हमें पॉइंट्स टेबल प्रॉपरली फॉर्म होते हुए नजर आएगी। तो गाइस, ये वीडियो ही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।